शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबरान ने दो अहम नुक्ते उठाए हैं और जनाब एहसन इकबाल ने इस हाउस की तवज्जो मबजूल कराई है जो हाल ही में गवादर का सानिया पेश आया। जनाब वाला, आप जानते हैं और ये ऐवान जानता है, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज आई एम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्पीकिंग। आप तशरीफ रखें प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, मुर्तजा अब्बास साहब प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। गवादर जनाब स्पीकर, और जो सी पैक का मंसूबा है उसकी अफादियत से अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और आज पूरी कौम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर और सी पैक के मंसूबे पर मुत्तफिक है और हम समझते हैं कि इसके पाया तकबील से पाकिस्तान की जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा। हम समझते हैं कि सी पैक के पाया तकबील के होने से नई राहें खुलेंगी सेंट्रल एशिया की तरफ और जो एक नया एक एनर्जी कॉरिडोर बनेगा इससे इस रीजन की बाशी तरक्की होगी, खुशहाली होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अब कुछ कुवतें हैं जनाबे वाला जिनको ये मंसूबा खटकता है और वो गाहे बगाहे इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं और आप वो कुवतें आप जानते हैं, वो कुवतें जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी कॉज करना चाहती हैं, वो कुवतें जो पाकिस्तान की माशी तरक्की में रुकावट बनना चाहती हैं, वो कुवतें आलाकार इस्तेमाल करती हैं, फंडिंग करती हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं इस रास्ते में खड़े होने के लिए। तो जनाबे वाला, मैं आज एक मरतबा फिर उन कुवतों को इस ऐवान की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि सी पैक पर और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पाकिस्तान मुत्तफिक है, ये ऐवान मुत्तफिक है और इंशाल्लाह ये पाया तकमील को पहुंचेगा। आप रुकावटें खड़ी कर लें, जैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आपने रुकावटें खड़ी की और कौम ने मुकाबला किया, इसी तरह गवादर के रास्ते में आप रुकावटें खड़ी कर लें, हम इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, हम पाकिस्तान माशी हालत तब्दील करेंगे। मैं आज जनाब स्पीकर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उस मुजाहिद को, उस गार्ड को जिसने रेजिस्ट किया, अपने सीने पे गोली खाई लेकिन पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। मैं पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने फिल फौर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और उन दहशत गर्दों को किला कुमा पहुंचाया, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया। इंशाल्लाह चाहे कोस्टल हाईवे हो, चाहे गवादर का मंसूबा हो, हमने मिलकर उन कुवतों को शिकस्त देनी है। इस ऐवान से एक आवाज जानी चाहिए, वो कुवतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, एक आवाज जानी चाहिए कि कौम हमारे 100 इख्तलाफात होंगे लेकिन पाकिस्तान के मफादात पर ये पार्लियामेंट और ये कौम सौदेबाजी नहीं करेगी इंशाल्लाह। जनाबे वाला, मैं बावर कराना चाहता हूं, सिक्योरिटी से सब चैलेंजेस से आगाह थे, अगर सिक्योरिटी चैलेंजेस से आप आगाह ना होते तो आपको एक स्पेशल डिवीजन रेस करने की जरूरत ना होती। आपने एक स्पेशल डिवीजन रेस किया है ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर बिकॉज वी न्यू एंड वी कुड फोरसी एंड यू कुड फोरसी द एलिमेंट्स हु विल क्रिएट इंपेडिमेंट्स इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह दे विल बी डिफीटेड, द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान विल बी डिफीटेड और इंशाल्लाह पाकिस्तान माशी तरक्की करेगा। दूसरा नुकता सर यह उठाया गया जनूबी पंजाब का, जनूबी पंजाब के आज तीन सपूतों ने, सरदार नसरुल्लाह द्रिशक ने, समी गिलानी साहब ने और जहूर कुरैशी साहब ने एक बिल मूव किया है और दोस्तों ने भी बिल मूव किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बिल मूव किया है और मैं समझता हूं आपने आज उस कमेटी की तश्कील का फैसला किया है। मैं समझता हूं तहरीके इंसाफ का ये एक आईनी वादा है और पीपल्स पार्टी भी इस पर जहनी तौर पर मुत्तफिक है। मैं दावत देता हूं, पीपल्स पार्टी को दावत देता हूं, आए बैठे मिल बैठकर रास्ता निकालते हैं और जनूबी पंजाब की पिसी हुई आवाम को उसका हक दिलवाते हैं जो हमारा मंशूर का हिस्सा है और इंशाल्लाह देकर रहेगा।